फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वालिटी बैंगल्स आप किस प्रकार से बना सकते हैं विद इन 24 आवर्स में। ठीक है, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताऊंगा कि आप 24 आवर्स में अपना अपने वेबसाइट या अपने कीवर्ड्स या आर्टिकल के लिए बैकलिंक्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आपको बैकलिंक्स बनाने के लिए क्या क्या करनी होती है, क्या किस प्रकार से आप बनाएंगे, तो इसके ऊपर आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और आप कमेंट करके ना पूछे कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी आपको, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फ्लिप हो रहा होगा मेरा नंबर। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारा कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ब्लॉगिंग एसईओ का कोर्स है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित करके देगा यह कोर्स आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूं तो आपके बीच सबसे पहले पहुंचे, और नोटिफिकेशन का भी आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मेरा वीडियो का बहुत जल्द और तुरंत चले जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका एक कीवर्ड्स। ठीक है, कौन सा कीवर्ड्स पे आप क्वालिटी बैकलिंक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो मेनली आपको बैकलिंक्स बनाने के लिए दो तीन तरीके होते हैं जो कि ज्यादातर काम में आते हैं। सबसे पहला गेस्ट पोस्टिंग, दूसरा आपको यहाँ पे नेचुरल बैकलिंक्स, और तीसरा आपको कहीं से आपको अगर फोरम्स और वेब 2.0 बैकलिंक्स वगैरह मिल रहे हैं तो। लेकिन दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ कि विद इन 24 आवर्स में कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा लिस्ट। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी बैकलिंक्स बनानी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपका जो कीवर्ड्स है वह लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स है, ठीक है, लो कॉम्पिटिशन के अंतर्गत आपका कीवर्ड्स है, तो आपको फोरम्स बैकलिंक्स, प्रोफाइल बैकलिंक्स और वेब 2.0 बैकलिंक्स वगैरह पे काम करना है। ठीक है, अगर फिर भी अगर ये सब पे बनाने के बाद आपका वेबसाइट रैंक नहीं होती है तो आपको गेस्ट पोस्टिंग के लिए अपने कंप्यूटर वेबसाइट को अप्रोच करना है। उनको अप्रोच करने के लिए आपको कभी कभी अगर वो मान जाते हैं अप्रोच करने के बाद, तो आपको क्या होता है कि वहां पे पे भी करना पड़ जाता है, और कोई कोई फ्री में भी दे देते, कोई कोई आर्टिकल लिख दोगे तो भी मिल जाता है। बट सही ढंग से आपको अप्रोच करना आना चाहिए। तो अगर आप गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं सिर्फ गेस्ट पोस्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो फोरम बैकलिंक्स बनाने के लिए आपको सबसे पहला मेथड है दोस्तों, आपको आपके चाहिए कीवर्ड्स जिस यूआरएल पे आप लिंक्स बनाना चाहते हैं वो, और तीसरा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए ही चाहिए, जहां पे आप बनाओगे वहां पे मांगेगा ही मांगेगा, और ईमेल आईडी और आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगा आप वो चीज मांगेगा, तो वो चीज आप रेडी रख लेना। तो फोरम बैकलिंक्स बनाने के लिए आपको मिलेगा लिस्ट, कहाँ से मिलेगा तो लिस्ट ना मैं प्रोवाइड करूंगा ना आप एचडीएफ वगैरह से आप बाय कर निकालोगे। ठीक है, आपको चले जाना है गूगल्स में। गूगल में जाने के बाद आपको लिखना है बेस्ट फोरम बैकलिंक साइट लिस्ट इन 2021। ठीक है, अगर आप इतना सर्च करेंगे तो आपके बीच बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएगी जहां पे आपको लिस्ट प्रोवाइड किया होगा। लेकिन आपको इस तरह से नहीं जाना है, आपको क्या करना है कि टूल्स के ऑप्शन होता है गूगल में, ठीक है, वहां पे जाना है और आपको जो टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है वह सेलेक्ट करना है 1 मंथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो लोग हाल ही में पब्लिश किए होंगे अपना आर्टिकल वेबसाइट का लिस्ट, फोरम वेबसाइट का लिस्ट, उनका आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद आपको ना फोरम वेबसाइट मिल जाएगा, उसके बाद वहां पे जा करके आप क्रिएट कर सकते हो बैकलिंक्स। अगर आपको थोड़ा सा भी हार्ड कंपटीशन कीवर्ड है तो आप डेली का 10 या से 15 बैकलिंक्स फोरम्स का बनाएंगे ना, तो आपका वेबसाइट पे एक्टिविटी होने लगेगी। अब आती है दोस्तों यहाँ पे मैं बताने वाला वेब 2.0 बैकलिंक्स के ऊपर। तो वेब 2.0 बैकलिंक के लिए दोस्तों आपको बहुत सारे साइट्स मिल जाएंगे। वेब 2.0 होती क्या है वो बताता हूँ। देखिए, वेब 2.0 बैकलिंक जो होती है ना दोस्तों, वो खुद का ही वेबसाइट से आपको लेना पड़ता है। वो कैसे, तो देखिए बहुत सारे ब्लॉगर
वर्डप्रेस, वीक्स, बिबली वगैरह पे आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। फ्री में वेबसाइट बनाने के बाद वहां पे 8-10 आर्टिकल पब्लिश करने के बाद, देखिए वेब 2.0 बनाने के लिए आपको यूनिक आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ता, आप स्पिन करके भी आर्टिकल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप यूनिक आर्टिकल से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप स्पिन कर देंगे कॉन्टेंट को, उसके बाद वेब 2.0 पे पब्लिश करेंगे, गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई भी कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, उस वेबसाइट को जो बनाइएगा, उसके बाद वहां पे आपको कोई एक आर्टिकल में आपका कीवर्ड पे आपका वेबसाइट का लिंक्स दे देना है, ब्लॉगर में, वर्डप्रेस में, सभी में आपको करना है। अगर आप इस पे इस प्रकार 100 बैकलिंक्स बना लेते हैं ना, तो मैं बताऊंगा कितना भी हार्ड कीवर्ड्स रहेगा आपका वेबसाइट बिल्कुल रैंक करने वाला है। ठीक है, अगर रैंक नहीं करेगा तो आप हमें कमेंट करके गाली भी दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल रैंक करेगा। आपको सिर्फ टाइम लेना होगा 1 मंथ से 1.5 मंथ 2 मंथ तक। ठीक है, इंडेक्स होने में टाइम लगता है, न्यू वेबसाइट और बनाइएगा तो न्यू ही रहेगा, तो थोड़ा टाइम लगता है इंडेक्स होने में, तो इंडेक्सिंग के लिए आपको वेट करना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब आ जाते हैं यहाँ पे प्रोफाइल बैकलिंक्स के ऊपर। प्रोफाइल बैकलिंक्स ज्यादा हार्ड बैकलिंक्स नहीं होता, बहुत सारे वेबसाइट का लिस्ट मिल जाएंगे, आप जिस प्रकार से फोरम में सर्च करना बताया उस प्रकार से इसमें भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको बहुत ज्यादा लिस्ट मिल जाएगा, लिस्ट मिलने के बाद आप जा करके एक एक करके आपको प्रोफाइल में वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर सकते हैं। जब प्रोफाइल अकाउंट बनाइएगा उसमें प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाना बहुत ही आसान होता है, और प्रोफाइल बैकलिंक्स बहुत ही कामगर होता है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे हेल्प मिलती है इससे। ठीक है, लास्ट में एक चीज मैं बताना भूल गया हुआ है दोस्तों, कोई भी वेबसाइट पे बैकलिंक्स बनाने से पहले आप DAPA चेकर वेबसाइट पे आप जा करके वहां पर स्पेम स्कोर चेक कर सकते हैं, जिसका स्पेम स्कोर ना के बराबर होगा आपको उसी के ऊपर बैकलिंक्स बनानी है, उसी वेबसाइट के ऊपर, ना कि सभी वेबसाइट पे आपको जा करके बना देनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप मुसीबत में फंस सकते हैं, और आपका जो वेबसाइट है ठीक है वह रैंकिंग डाउन हो सकती है उसका, अगर स्पेमी साइट से लिंक्स आप लेते हैं तो आपको इस प्रकार से नहीं करना, आपको स्पेमी साइट से लिंक्स नहीं लेना है, आपको जा करके बैकलिंक से बनाने से पहले चेक कर लेना है, 8-10 वेबसाइट आप वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, सभी का डिटेल बता देगा। ठीक है, तो उम्मीद कर लो दोस्तों कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।